हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन स्टार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन लेके आए हैं आप सभी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो, वो भी ब्लैक। तो आज से कुछ टाइम पहले आपने इसकी वीडियो देखी होगी, तो यह सेम वाली स्कॉर्पियो है। आप नंबर प्लेट देख सकते हो, पहले मतलब उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, तो बट अब इसमें नंबर प्लेट लग चुकी है। तो अगर बात करें इसकी, तो अब इसमें मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा 12,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में, उसकी बारे में बात करने वाले हैं। भाई एक ओनर क्या फेस करता है इसके, मतलब कि क्या फीलिंग्स रहती है उसकी इससे रिलेटेड, कि भाई अगर 20 लाख 21 लाख कोई पे करता है तो उसकी मतलब क्या मतलब एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें मतलब क्या कमियां निकल जाती हैं, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कुछ इस टाइप की मिलती है इसमें। तो यहाँ पे नॉर्मल सी की है, लॉक अनलॉक और मतलब ये एक सायरन की मिल जाती है। और तो और मतलब सिंपल सा इसमें महिंद्रा का लोगो मिलता है। तो अब जैसे कि एक्स्यूवी सेवनडबल हुए हैं, ये लोगो चेंज कर दिया गया, बट इसमें कुछ इस टाइप की मिलती है। अगर बात करें की तो आज की डेट में महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, मतलब ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में महिंद्रा ने सेम टाइप की दे दी है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि भाई बोलेरो में भी सेम की दे दी है, स्कॉर्पियो में सेम की दे दी है। एक बंदा जो 10 लाख पे कर रहा है उसको भी सेम टाइप की मिल रही है, और एक बंदा जो 20 लाख पे कर रहा है उसके लिए भी मतलब सिमिलर टाइप की ट्रीटमेंट है। तो देखा जाए तो ये थोड़ी वियर्ड सा लगता है। बाकी की क्वालिटी की बात करें तो कि ठीक ही है। बाकी फीचर्स की बात करें, आज की डेट में जो ट्रेंडिंग फीचर्स चल रहे हैं, जैसे कि फॉलो मी हेडलैम्प, इस टाइप के कुछ फीचर्स तो नहीं है, बट नॉर्मल से इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे लाइक लॉक अनलॉक एंड देन ये शायद, तो मतलब इस टाइप से कुछ मिल जाता है। और फ्लिप की मिलती है इसमें, तो मतलब नॉर्मल सी की है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना गलत रहेगा। अब बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट में नॉर्मल से इसमें जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं जिसमें DRL इंक्लूडेड है, तो आपको आई थिंक सो दिख रहे होंगे, जल रहे हैं ये, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं तो ये बंद हो गए हैं एंड अब ये वापस से जलना शुरू हो गए। तो मतलब इस टाइप से कुछ DRLs मिलते हैं, आई थिंक सो आपको जज हो रहा होगा, आप देखिए। सो कुछ इस टाइप से लगते हैं, बाकी ठीक है। प्रोजेक्टर मिलते हैं, हेलोजन मिलते हैं, कोई LED मिलती नहीं है, बाकी ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें रोड पे थ्रो की, तो अकॉर्डिंग टू ओनर कि ठीक है, अच्छा मतलब कि अच्छा थ्रो मिल जाता है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत हो, इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है। बाकी ग्रिल की बात करें, ग्रिल से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है। जो कंप्लेंट की अगर बात की जाए तो वो इस गाड़ी में कुछ इस टाइप से रहती है, इसका जो पेंट है, जैसे लाइक ये ब्लैक कलर में है भाई, सबसे पहले कि भाई ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा गंदी होती है गाड़ी, मैल इतना पकड़ के, ये देखिए कल वॉश हुई है और ये कंडीशन है, मतलब आपको वीडियो में सच पता नहीं चल रहा होगा बट गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो यही दिक्कत, मतलब पहले तो ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। दूसरी तो आप देख सकते हो जो गैप है, तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी अनोइंग लगती है। जैसे यहाँ देखो क्वालिटी, देखो क्वालिटी इशूज़, मतलब अगर 20 लाख कोई पे कर रहा है उसमें इस टाइप की क्वालिटी अगर एक्सपेक्ट करे, तो मतलब उसको मतलब कि एक तरीके से मन को दुखी करना, वो वाली चीज़ है। बस गाड़ी लुक्स में तो माशाल्लाह, मतलब मस्कुलर लुक्स है, आप देख सकते हो लुक्स में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। आप चाहे कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, इस गाड़ी का लुक्स में कोई तोड़ नहीं है। अब बात आती है इसकी टायर प्रोफाइल की, टायर प्रोफाइल इसमें मिल जाता है 235, ये रहा देखिए एक सेकेंड, ये रहा 235/65R17। बाकी अलॉय व्हील की क्वालिटी की बात करें तो रफ रोड्स में वगैरह सब में अच्छा प्ले करता है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है। बाकी टायर ट्रॉनिक्स वगैरह सब इसमें मिल गए हैं, तो मतलब अच्छे से परफॉर्म करती है गाड़ी। तो अगर बात की जाए इसकी सर्विसिंग एंड ऑल की, तो सर्विसिंग अभी इसमें ऐसा कोई मेजर हुई नहीं है, बट अभी करवाने की ड्यू चल रही है सर्विसिंग। अब एक और जो दिक्कत इसमें फेस करने की बात आती है तो इंटीरियर में, उससे पहले आपको एक बार बूट दिखा दिया जाए। बूट की बात करें तो बूट में कुछ इस टाइप का मिलता है, और मतलब उसमें कोई स्पेस मिलता नहीं है। आप देखो इसकी जो सबसे बड़ी बेकार चीज़ लगी है वो ये कि यहाँ पे बूट स्पेस बिल्कुल मिलता नहीं है। अगर फोल्ड करने की बात करें तो ये सीटें फोल्ड भी नहीं होती, मतलब चाहे आप इसको फोल्ड करने की कोशिश कर लो बट ये गाड़ी की सीटें इससे ज़्यादा फोल्ड भी नहीं होती, ये इतनी होती है मैक्स टू मैक्स। अगर ये फ्लैट फोल्ड होती तो कम से कम एटलीस्ट बूट स्पेस तो इसमें अच्छा खासा मिल जाता। एंड अगर कैप्टन सीट्स के साथ आती है तो 4 बंदे इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बाकी पीछे लगेज रखा जा सकता है, बाकी बंदों के बैठने के लायक तो नहीं है, बाकी ठीक है, अच्छी है, बाकी कुछ इस टाइप का मिलता है। बाकी अगर महिंद्रा की क्वालिटी की बात की जाए तो ये देख सकते हो इंटीरियर क्वालिटी डिसेंट सी है। आप यहाँ पे देखो इस टाइप से गैपिंग वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, बाकी तो स्कॉर्पियो नाम चलता है। अब मैं अगर कोई कमी निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कई कमेंट्स आएंगे कि भाई तू क्या जानता है स्कॉर्पियो के बारे में, ये वो, तो बट ठीक है। तो इस टाइप से कुछ मिलता है। अगर अंदर से बात की जाए तो अंदर से इसमें टच स्क्रीन वगैरह सब मिल जाता है, बाकी फीचर्स की बात की जाए तो हमने ऐसा इसके जो टच स्क्रीन के फीचर्स हैं यूज़ नहीं किए, बाकी ब्लूटूथ एंड ऑल ये सब तो अच्छे से चल जाता है। और मीटर का डायल बताया जाए तो
तो मीटर का डायल कुछ इस टाइप से मिलता है, जस्ट लाइक कि एक बार को, तो मीटर का डायल कुछ इस टाइप से मिलता है। मीटर लुक्स में अच्छा है और इसका एनिमेशन वगैरह सब अच्छा है। अगर फीचर्स की बात की जाए, ठीक है, फीचर्स की बात की जाए, यहाँ पे किलोमीटर, ट्रिप मीटर ये सब मिल जाते हैं, और यहाँ पे फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसमें आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स के अकॉर्डिंग सब अच्छी है। बाकी और अगर कमियों की बात की जाए तो आप अगले वीडियो में देख सकते हो कि भाई मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स लगी। बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, 12,000 किलोमीटर चलाई है, एंड ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी या फिर इसकी ड्राइविंग है वो सब मतलब बहुत आला दर्जे की, क्योंकि भाई ये रफ रोड्स पे चलती है तो ऐसा ना मेंटेनेंस मांगती है ना कुछ, तो मतलब अच्छे से बंदा मेंटेन कर सकता है, इस मामले में अच्छी है। बाकी आगे अपन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बनाएंगे और पॉजिटिव से रिलेटेड भी आगे वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे गैपिंग वगैरह तो ये कुछ है, बाकी अच्छा है इंटीरियर। दो यहाँ पे सीट्स हैं, दो पीछे कैप्टन सीट्स हैं, एंड रियर में एक बेंच सीट्स मिल जाती हैं। बाकी अगर इसको आगे करके पीछे को कैप्टन सीट टाइप का कुछ दे दिया होता तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई इसका कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता, क्योंकि बाद में ना बूट स्पेस बचता है ना ये फ्लैट फोल्ड होती, या तो इसको 60-40 में दे देते या 50-50 में दे देते तो अच्छा खासा यूजेज रह जाता। बस यही है। तो अगर बात की जाए एसी या इन सब की, तो एसी का परफॉर्मेंस अच्छा है नो डाउट। बाकी यही कंप्लेंट्स है कि चार बंदे अच्छे से बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, बाकी अगर लगेज होता है तो दिक्कत आती है। एंड मतलब कि जस्ट लाइक ये कैंपर है पानी का, ये रखने तक की इसमें जगह नहीं है पीछे बूट में, तो यही कुछ मिलता है इस गाड़ी में। तो आई होप आपको ये सारी फीचर्स मतलब कि गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अर्जुन स्टार। सो यही है महिंद्रा स्कॉर्पियो ब्लैक, तो इसको ब्लैक बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।